के अजीतमल कोतवाली क्षेत्र में 24 तारीख को दो डेड बॉडी मिली थी, जिनकी हत्या का खुलासा पुलिस अभी तक कर भी नहीं पाई थी कि आज एक और अधेड़ का शव पाया गया, जिससे पुलिस के होश उड़ चुके हैं। बता दें कि औरैया जिले के फफूंद थाना क्षेत्र के नंदपाल निवासी सल्लापुर फफूंद स्थित अपने घर से खाद लेने के लिए निकले थे, लेकिन देर रात जब नंदपाल अपने घर वापस नहीं लौटे तो परिजनों ने उनकी खोजबीन शुरू कर दी, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। अगले सुबह कुछ लोगों ने आधाशी बम्बे के पास एक शव पानी के बम्बे में पड़ा देखा, तभी घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने शव को पानी से बाहर निकलवाकर कब्जे में लेकर शव की तलाशी ली तो आधार कार्ड से शव की शिनाख्त हो गई, तो वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। थाना फफूंद क्षेत्र के ग्राम सल्लापुर के नंदपाल में इनका माखन के पास नाले में जो है मृत अवस्था में पाए गए हैं। एक बॉडी को बाहर निकाल कर आवश्यक कार्रवाई करते हुए पंचायत को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है। अभी मृत को कारण पता नहीं चला, तो पीएम द्वारा कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में पुलिस के अधिकारियों ने घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य एकत्रित करने में जुटी और शव को कब्जे में लेकर भी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल इस मामले की भी तहकीकात की जा रही है। किसी भी जिले में एक साथ तीन शवों का मिलना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाता है। आखिर ऐसा क्या मामला है जो एक साथ लोगों की हत्याएं हो रही हैं? देखते हैं पुलिस कब तक इस मामले में खुलासा कर पाती है। औरैया के फफूंद से प्रदीप कुमार, पब्लिक न्यूज़ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।